मजा आया आज आपको? बहुत मजा आया। अच्छा दिन गुजरा आपका? दिन अच्छा नहीं गुजरा, रात अच्छी गुजरी। चलो रात अच्छी गुजरी। रात अच्छी गुजरना वो लोग मेरे गलत मतलब समझते हैं, इसीलिए मैंने दिन का कहा था। आपने खुद बहुत गंदी कर दी। मैंने नहीं किया, आप ही ने किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मेहरान हाशमी, और जितने लोग भी प्रैंक के लिंक से आए हैं तो उनको पता होगा कि आज क्या होने वाला है, लेकिन जितने लोग रैंडमली आए उनके लिए मैं बता दूं, मेरी दोस्त के साथ मैंने एक प्रैंक किया और मेरी दोस्त नाराज़ हो गई है, गाड़ी में बैठी हुई लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही। क्या हुआ, क्या है आपको? बात कर ले, इतनी प्यारी लग रही हो कसम से ना, इस एंगल से बात कर लो यार प्लीज़। बता दूं मैं फिर सब आपके ऑडियंस को? बता दे मैंने क्या किया। इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा प्रैंक किया। पहले मुझे हमारी इंस्टा पे बातचीत हो गई थी, तो हमारी फ्रेंडशिप हुई, तो हमने कहा चलो एक डे आउट करते हैं, हैंग आउट करते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हम गए कैफे पे बैठे। हाँ जी। वहाँ कैफे पे इन लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया कि मेहरान साहब का वॉलेट मैंने चुरा लिया। गलत किया, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि मैंने जो है बहुत ज़्यादा ये गलत हरकत की है, रियली सॉरी। मैं मान गया ना आपकी बात। बाकी जितने लोगों ने प्रैंक नहीं देखा, मेन चैनल पे प्रैंक अपलोडेड है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा उसके बाद क्या हुआ था वो भी आप लोग लाजमी देखें, वो पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। मुझे सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना आप चिढ़ जाओगी। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, ये पता है आप लोग प्रैंक शूट्स करते हैं, लेकिन मुझे आईडिया नहीं था कि इस किस्म का प्रैंक होगा, मेरा जहन भी नहीं गया वहाँ पर। सॉरी, रियली सॉरी। अब मैं आपसे जरा आपका मूड ठीक करने के लिए कुछ आपके बारे में पूछना चाहता हूँ, अपने लिए भी अपनी ऑडियंस के लिए भी पूछ सकता हूँ? आप मुझे ये बताएं, वो वीडियो बना ली आपने, प्रैंक कर लिया, चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो अपलोड भी हो गई भाई, अभी भी पूछ रहे हैं, पूछ सकता हूँ? सॉरी, इतना कुछ तो हो गया। रियली सॉरी, दोबारा आपसे सॉरी कर रहा हूँ। ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वो टीचर का काम खत्म हो गया आपका भी? हाँ, वो मेरा वहीं तक का काम था तो अच्छा हो गया। वैसे आप जो है वो टीचिंग के लिए बनी भी नहीं है टीचर, वो आंटी टाइप होनी चाहिए। आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, आपसे अच्छी टीचर कोई है नहीं। वैसे आपकी इंग्लिश वगैरह, आप वैसे खुद भी स्टूडेंट है ना? इंटर मैंने प्री मेडिकल से किया। हाँ। फिर मैं उसके बाद टीवी पे डिबेट सेगमेंट्स वगैरह देखती थी, तकरीरें हो रही हैं ये सब। आप डिबेट करती हैं? हाँ, मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे नामवर बोल टीवी और बहुत सारे इस तरह के जितने भी नामवर चैनल्स हैं सब पे डिबेट्स किए हैं। डिबेट आपको और मेरा विन किया है। मेरे यार, मेरे मैं भी डिबेटर हूँ। मैं भी डिबेटर हूँ बचपन से। मैं बीफ रैपर हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अच्छी बहस कर लेता हूँ। हाँ, बहस डिबेट का अलग भी मायने तो यही है। क्यों डिबेट, क्या डिबेट का मतलब बहस ही है? आपकी डिबेट क्या होती है? हम मुनाजरा करती हो आप? मुनाजरा पता है? हाँ, मुनाजरा पता है, लेकिन नहीं मुनाजरा ही, हाँ काइंड ऑफ छोटा मोटा सा। तो आप आए ना मेरे साथ करें ना किसी बात पे बहस करते। तारीख पे? तारीख पे किसकी तारीख पे? या किसी पॉलिटिकल व्यू पे? नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं पॉलिटिक्स से वास्ता ही नहीं है मेरा। तारीख पे करनी बस। नहीं, आप बहस मुझसे इस चीज पे करें, आपका वॉलेट मैंने चुराया था या नहीं? वो तो नहीं था, वो तो जाहिर है, वो तो प्रैंक था। आप उस चीज को भी छोड़ दो, हक में आ गई। बिल्कुल 100, आप तो विनर हैं। अच्छा, लड़कियों से तो मैं वैसे ही हार जाता हूँ, क्या करूँ? इनको शौक भी हुआ था हारने का, लड़की ये वीडियो घर पे भी जाएगी तो जाने दो ना, क्या हो गया? एक हुई है, तीन की जगह है। तीन की जगह है? हाँ, तीन की जगह भी बाकी है। इजाजत क्या, आपको किसने बोला दूसरी शादी के लिए पहली की इजाजत लेनी चाहिए? इस पे बहस करे मेरे साथ आगे? भाई बहस नहीं कर रहा, लेकिन पहली वाली मार दे दी ना। कुछ भी नहीं करेगी। आपकी हो गई है शादी? क्यों, एंगेज्ड हो आप? नहीं। सिंगल हो? बिल्कुल। मैं मैरिड हूँ, अफसोस है आपको इस बात का? नहीं। क्यों? अच्छा, ये क्या? अच्छा, उसे एक सवाल है, ये बड़ा अच्छा तुमने टॉपिक दिया बहस के लिए। आपके हिसाब से दूसरी बीवी बनना अच्छी बात है किसी की? अगर उसकी पहली बीवी मर गई है। और अगर पहली जिंदा है? तो पहली के होते हुए, दुनिया में होते हुए या जिंदगी? दुनिया में, जिंदगी में, घर पे होते हुए? फिर डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मतलब आप दूसरी बीवी अगर कभी बन सकती हो किसी की? आप नहीं। क्यों? वजह? ये तो रैंडम बात हो रही थी ना, मेरी थोड़ी हो रही थी। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्या मेरी बन जाओ? मैं कह रहा हूँ किसी भी इंसान के, वेल सेटल लड़का जिसकी इनकम भी अच्छी हो, दिखने में भी प्यारा हो, और शादीशुदा हो, और आपको ऑफर करे कि मेरे से आप शादी कर लो, लेकिन ऑलरेडी उसकी बीवी है, कि आप शादी कर लेंगी? एग्जैक्टली। क्यों? वजह क्या? नहीं, मुझे दूसरी चीजें नहीं पसंद, पहले से होकर जो आ रही हूँ। नहीं, मर्द मर्द पुराना नहीं होता, मर्द उल्टा और पॉलिश हो जाता है, उसका तजुर्बा हो जाता है बीवी रखने का। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद यार, ये तो गलत बात है यार। यानी जितने लोगों की शादी हो गई है वो जो है उम्मीद ना लगाएं।
इनसे तो कम से कम ना लगा, ठीक है समझ गए यहाँ तक, अच्छी बात है, हर एक की अपनी मर्जी होती है। मेरे उस्ताद मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि आप ट्राई करते रहो और लड़की मना करे कोई मसला नहीं, आप ट्राई करते रहो, कोई ना कोई मान, तो हम ट्राई करते रहेंगे जब तक कोई माने, कोई अगर मान गई तो अच्छी बात है, लेकिन जो माने वो इतनी प्यारी होनी चाहिए, ये शर्त है। दूसरी कर रहे तो प्यारी से करे ना, कुर्बानी हम भी दे रहे। हमारे उस्ताद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी कहते हैं कि दूसरी शादी मज़ा नहीं जिहाद है, तो इसीलिए ये टेंशन बहुत होती है दूसरी से। बाकी क्या क्या कहते हैं तारिक मसूद साहब? तारिक मसूद साहब बहुत बातें करते हैं माशाल्लाह, और मैं उनके बयान सुनता हूँ रेगुलरली। शादी का हटा के और कोई आपने? शादी का हटा के बिल्कुल सुना है, वो बहुत बड़े आलम है, बहुत बड़े आलम है, मैं भी जानती हूं। उन्होंने इंजीनियर का मुंह उन्होंने ही तो बंद किया था झेलम जाके। एग्जैक्टली मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे आपके इंटरेस्ट से ऐसा लग रहा है कि आप उनके सिर्फ शादी वाले ही सुन रहे हैं। ना मैंने उनके दूसरी बीवी मैं नहीं नहीं मैं पूरे बयान सुनता हूँ, उनके पूरे बयान मैं सुनता हूँ। उन्होंने एथियज्म के खिलाफ बड़ा काम किया है और उनका बहुत काम है वैसे, और जितने लोग मैं आपको बताऊँ जो मसाइल थे ना बहुत मुश्किल मुश्किल मसाइल, वो आसान करके उन्होंने समझा, आसान करके दिया। बहुत सारे ऐसे मसले थे जो हमें नहीं समझ आते थे नमाज में, जो अपनी बीवियों से डरते थे उनको हिम्मत नहीं, इनके अलावा उनका ये आमिलों के खिलाफ कितना काम है, जो जाली आमिल है, जो खाम मखा में जादू टोने के मतलब लोगों के पैसे खा रहे थे, उनका बहुत काम है इनके, तो उनके तो मैं खैर टॉपिक हमारा वो नहीं है, टॉपिक हमारा फिलहाल ये है कि आपने क्या, आप तो मान गई हो ना अभी, कब से मानी भी तो हुई हो, अभी भी नाराज हो, आपका माइंड वहाँ से नहीं हटा। जब मुझे याद आता है फिर मुझे नाराज होना। आपके स्टार साइन क्या है? एक्वेरियस। मतलब कौन से महीने में आपकी बर्थडे आ रही है? फरवरी आ चुकी, चली गई। मैंने विश किया था आपको, मुझे आपको याद है? नहीं हमें तो नहीं किया विश कभी आपने, तो लड़की है ना 20 साल से हम आपके साथ हैं, आप औरत हो, औरतों को विश करोगे मर्द मर जाए। देखो मर्द को बर्थडे मनाना ही नहीं चाहिए, अच्छा औरतों को मनानी चाहिए, बिल्कुल ये औरतों को विश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, ये औरतों से मुकाबला नहीं करेंगे, हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाऊंगा, इनकी सारी जो है ना एक्सपर्टीज वो औरतों की है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मौत भी किसी औरत की वजह से होगी, ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा सच में। बाकी ये हमारा बंदा रुक गया, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, आपके सारे काम औरतों के साथ चल रहे हैं ना, इसलिए मौत भी औरत के साथ। पेट्रोल खत्म हो गया भाई जान, सिग्नल बंद हो गया तो तोड़ दो, पाकिस्तान में रहते हो, खैर जाना कहाँ बता ना प्लीज। अच्छा देख ले, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं, खाना क्या? नहीं ये फिर से नहीं पूछा मुझे, फिर वही चीज याद आती है, ये नहीं पूछा। बता देना आपको कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है कराची में, कोई फेवरेट रेस्टोरेंट है आपका? हाँ बहुत सारे, एक बताए। कबाब जी, जमीर अंसारी, कबाब जी, यार चलने को चले जाएंगे, वो लाइटिंग का इशू आएगा, बता रहा हूँ। नहीं नहीं फिर रहने दे, हम अपने ऑडियंस के साथ इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इंडोर बैठ जाएंगे कबाब जीज में, इंडोर कहाँ है, तारिक रोड जाना पड़ेगा। नहीं इंडोर है कबाब जीज में, इस वाले में है, है। उसमें छोटा सा कॉलम बना हुआ है लेकिन वो कभी कभी तो छोड़ते ही नहीं है। हाईवे चले, हाईवे कबाब जीज में लाइटिंग ओके, हाईवे चलते, चलो हाईवे चले। क्या हुआ, परेशान क्यों हुआ हाईवे का? सुनिए थक गए हो, मैं चला लूं? थक गए। हाईवे से फिर पता है फायदा क्या होगा, इनका घर भी फिर करीब पड़ेगा। हाँ बताएंगे नहीं कि घर कहाँ है, वो लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी हाईवे चलते, आपसे तो जिनके लिए जा रहे हैं उनसे पूछा ही नहीं, हाईवे का कबाब जी डन पक्का? तो अभी वीडियो बंद कर दे, वहाँ पे खोलते हैं, ठीक है? ठीक है, डन डन, चलो भाई हाईवे जी। तो फाइनली हम लोग कबाब जीज पे पहुंच चुके हैं, यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार की और ये रहा जी कबाब जीज। हाँ जी अब खुश हैं, अब खुश हैं, अब तो नाराज़ नहीं है ना? हाँ शुक्र, चले सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ और कोशिश करूँगा आइंदा ऐसे प्रैंक ना करूँ। बाकी आपको यहाँ पे खाना क्या पसंद है, कबाब जीज फेवरेट रेस्टोरेंट तो है, खाने में क्या पसंद है यहाँ पे? यहाँ की कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और आप क्या खाएंगी आज? देखते हैं, मेन्यू देख के डिसाइड करेंगे। चले चले आ जाए, आ जाओ भाई लोग, आप लोग क्यों खड़े हो? देख रहे हैं हम कब से यहाँ खड़े हैं, लोग बना रहे हैं, फाइनली हम पहुंच चुके सीधा लड़की पे, हम यहाँ खड़े हैं, हम में क्या सांस नहीं है, हम क्या लड़की मेरी कमजोरी है, मैं क्या करूं? हमें पूछ ही नहीं रहा, वरना जब भी मेरे सर रहा पूछा, शुक्र करो फिर पूछा, एंड में तो पूछा, इतना शुक्र करो। चलो भाई चलते आ जाओ, आ जाओ जी भाई। तो हम लोग कबाब जीज के फर्स्ट फ्लोर पे आए और यहाँ पे हमारी सेटिंग है, आगे हमारे लोग जो है वो टेबल पे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ जी भाई बैठ गए, बैठ गए, आप भी बैठ गई, अभी आप खुश हैं, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट पे आ गए, आपकी नाराज़गी ख़त्म है, आप ऑर्डर करें ज़रा जल्दी से, ये लें मेन्यू आपके सामने, जो आपका दिल करे वो ऑर्डर करें। आपके लिए मैं आपके लिए करूँ या अपने लिए? मैं आपको
मैं आपको बताऊं कि मैं क्या खाना चाह रहा हूं। मैं यहां का फायर स्टेक खाऊंगा, बहुत मज़े का होता है। मैंने देखा था स्टेक, अच्छा होता है। आप चिकन में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, चिकन में ही खाऊंगा मैं भी, मैं चिकन में ही खाऊंगा। आप स्टेक खाएंगी या आप कढ़ाई खाएंगी? नहीं मैं स्टेक ट्राई करूंगी। ठीक है, आप क्या खाओगे भाई? कढ़ाई मंगवा लेते हैं, आप और ये मिलके खा लेना और स्टेक भी खा लेना, मतलब कोई मसला नहीं। इन आपको स्टेक खाना है कन्फर्म? स्टेक मुझे ट्राई करना है, खाना नहीं है। अगर मैं आपको ट्राई करवा दूंगा। ठीक है डन, ऑर्डर आपने ये करना है हमारे लिए, दो फायर स्टेक करने चिकन में, चिकन में करने हैं, साइड लाइन दोनों की फ्राइज होगी और आपने हाफ कढ़ाई करनी है। मटन चिकन में सर? चिकन में मटन, हाँ मटन तो खाती ही नहीं हो, चिकन में। कढ़ाई को ज़रा स्पाइसी चटपटा बनाइएगा, ठीक है, चिकन में। और हमारे लिए आप कर दें तीन चीज़ नान, स्टार्टर में नहीं कहते कि मेन कोर्स, स्टार्टर में कुछ लेंगी सूप वगैरह? बस ये मेन कोर्स है नान, आप वो नॉर्मल नान कर दें। हाँ नहीं, चीज़ नान तो मैंने बोल दी थी, तो कढ़ाई के साथ ये लोग नान भी तो खाएंगे ना, दो नान कर देते हैं। दो बोले, तीन बोले, ठीक है डन भाई। ऑर्डर कंप्लीट हो गया हमारा, तो अभी खाने का वेट करते हैं, तब तक हम ज़रा बातें बातें कर लेंगे, तो आप लोगों को खाना दिखाते हैं। जी फाइनली हमारा खाना आ चुका है सर, प्लीज़। ये है हमारा फायर स्टेक, ये ज़रा दिखा दें भाई प्लीज़। यही है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, बिल्कुल यही है। और ये स्पाइसी होता है? बिल्कुल होता है, जो ऊपर इसके सॉस है ना ये स्पाइसी होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है ऑनेस्टली। ये तीन हम, ये फायर स्टिक तीन क्यों आए? हमने चीज़ नान तीन बोली थी, फायर स्टिक तीन बोले। फायर स्टिक दो बोले थे भाई, मेरे पास वीडियो है, तो ज़बरदस्ती आ गया, ये तो गलत हुआ। खैर अब आ गया, अब खा लो। ये हमने नहीं बोला था, हमने दो बोले थे, या हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो भाई, मैं भी इंसान हूँ। आ जाओ ज़रा भाई, देखने में अच्छी लग रही है, आ जाए ना, बनाए बनाए आराम से, टेंशन क्यों ले रही हैं। खाना ज़रा आप पहले टेस्ट करके बताएं कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, थोड़ा रुक जाएं, अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब बताइए ज़रा कैसा है, स्पाइसी है? अच्छा है या नहीं? अच्छा, मज़ा आ रहा है, खाएं आप। कबाब जिसके खाने में टेस्ट की कमी कभी नहीं होती, नहीं। मेरा वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट है ये, मुझे भी बहुत पसंद है और मैं आता रहता हूँ। अभी ज़रा मैं व्लॉग को साइड करता हूँ और खाने को एंजॉय करूँगा, फिर आप लोगों से मिलूँगा इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, मज़ा आया आपको? आपने कुछ भी नहीं खाया? इन्होंने आपने इन्होंने थोड़ा सा स्टेक खाया और इतनी सी कढ़ाई खाई, ये आपका टोटल खुराक है हमेशा, तभी आप इतनी कमज़ोर हो ना। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो चार हाथों से खाते हैं, इतना निवाला है, कितना निवाला है, इतना बड़ा चावल यू मुँह में, ऐसी मैंने तो ऐसी लड़कियाँ देखी हुई है। आप लोगों को भी दिखाऊंगा जो, हाँ ना, मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा। इस पे भी होनी चाहिए ऐसी लड़कियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। बाकी बिल भैया आप मुझे दे दें प्लीज़। जी तो मैं हमेशा, मेरी आदत है जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो मैं ऑडियंस को बिल दिखाता हूँ ताकि उनको आइडिया हो, और जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। ये हमारा बिल बना हुआ है, दिखा दे भाई। हाँ ये मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, 11,944 यानी 11,944, ऐसा ही है। तो ये भी हम लोग बिल भरेंगे। अच्छा ये हमें जो है वो यहाँ के मैनेजर जो हैं वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम्स भी दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको देखते हैं और तो उसके लिए आइसक्रीम हमें दे रहे हैं। वो आइसक्रीम कल मिलेगा या वो मजाक था? तो कहाँ है? अच्छा वाकई में मिलेगा आइसक्रीम तो दे ना, आइसक्रीम का बोला था, वो आइसक्रीम पहुँचा नहीं अभी तक, मुझे लगता है इन्होंने वैसे ही हमें खुश कर दिया। ये सर आप दोनों जो है वो 500-500 ले लेना, ठीक है, थैंक यू। आ रहे फाइनली, आ जाओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ भाई। आप तो चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम खाती हैं? नहीं नहीं आप खाएं, आप मुझे ये बताइए, आपको कड़वी नहीं लगती? डार्क चॉकलेट कड़वी होती है। ये भी कड़वी होती है, थोड़ी सी होती है, मैं आपको कह रहा हूँ। मैं चॉकलेट मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन आइसक्रीम के अंदर चॉकलेट फ्लेवर नहीं, अच्छी है, मज़ा आ रहा है।
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने, तो ऑडियंस से ज़रा हम लोग बाय बाय करते हैं उनको। मज़ा आया आज आपको? बहुत मज़ा आया। अच्छा दिन गुजरा आपका? दिन अच्छा नहीं गुजरा, रात अच्छी गुजरी। नहीं मतलब ओवरऑल मैं कह रहा हूँ, चलो रात अच्छी गुजरी। रात अच्छी गुजरना वो लोग मेरे गलत मतलब समझते हैं, इसीलिए मैंने दिन का कहा था। देखो मेरे अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा था, वह आपने खुद बात गंदी कर दी। मैंने नहीं किया, आप ही ने किया। खैर मज़ा आया सच में? तो दूसरी बनने का इरादा बना आपको? दूसरी बनने का नहीं है, सीरियस ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आपको लगा किसी की दूसरी बन सकते हैं? अभी नहीं लगा? चले फिर हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि उस्ताद साहब ने क्या कहा, ट्राई करते रहना। बाकी आज के लिए फिलहाल इस वीडियो को बंद करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि अनमता और भी व्लॉग्स में आए तो कमेंट करके बताएं, तो हम इनको फिर बुलाते रहेंगे अपने व्लॉग्स में। फिलहाल के लिए वीडियो को बंद करते हैं, आपसे फिर किसी व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।